प्यारे भक्तों, देश की जनता को हसीन सपने दिखाकर आपके आका सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, लेकिन पीएम बनने के बाद मोदी जी ने अपना असली रंग दिखाया और इन तमाम वादों को जुमला बता दिया। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला जुमला। मैं जानती हूँ आपको ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, अपना हाल बताइए। पिछले 9 सालों से आप तो साहिब की भक्ति पूरी शिद्दत से कर रहे हैं ना, इस भक्ति के बदले आपको कुछ मिला क्या? मोदी के राज में 100 रुपए का नोट 2 रुपए में चलता है। नहीं, कुछ तो मिला होगा। 200 रुपए का दूध आ गया, 200 रुपए की सब्जी ले गया, क्या खाएगा एक दिन में, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बचा के रखेगा। सच बताइएगा कि आपके बेटे, भाई बहन, किसी को भी नौकरी मिली? प्राइवेट और सेफ्टी से पढ़े लिखे हैं, उनको आजकल नौकरी मिल गई क्या? अब तक धक्के खा रहे, डिग्री लेकर घूम रहे बड़ा बड़ा कंपनियों के अंदर। क्या आपके खाते में 15 लाख आए? वो आ गए, वो आ गए 15 लाख। आओ ले 15 लाख। आपको पता ही होगा आपके दादा पिता की पेंशन भी बंद कर दी साहब ने। बुढ़ापे की लाठी हमसे मत छीनो, हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो। आपका बच्चा या आप खुद सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे, साहेब ने वहाँ भी मात्र 4 साल में घर वापसी का टिकट कटा दिया। 4 साल वहाँ पे जॉब करेंगे, उसके बाद घर पे आकर क्या करेंगे, फिर घासे काटेंगे। 60 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 100 रुपए में मिल रहा है। स्मृति ईरानी थी ना, वो चूड़ियाँ बोलती थी कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आज वो कहाँ गई, कौन से बिल में घुस गई, वो कहाँ चली गई, वो आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, और 400 वाला सिलेंडर तो 1200 रुपए तक पहुंचा दिया है। इतनी परेशानी होगी कि हम लोग तो सोच रहे हैं दोबारा से अंगीठी ले आए, वही जला लें। घर परिवार छोड़कर आपने जीवन के अहम 9 साल अंधभक्ति और झूठ फैलाने में गुजार दिए, लेकिन आपको भी देश की बाकी जनता की ही तरह जुमलेबाजी ही हाथ लगी। इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आती। मेरी मानिए, छोड़ दीजिए, हाँ हाँ भक्ति छोड़ दीजिए, 2024 में साहिब को वहीं भेज दीजिए जहाँ से वो आए। झोला लेके जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, आपके दोबारा आ गया तो। साहिब जाएंगे तो आपके बच्चों को नफरत नहीं, नौकरी मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी और खुशहाल जीवन भी मिलेगा। मैं आप पर ये छोड़ती हूँ, इन तमाम बातों पर गौर करें और खुद आप ये तय करें कि आपको किसे चुनना है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।